हेलो गाइस, मैं हूँ पंकज धाकड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पंकज धाकड़ में। तो क्या सर, आप देख सकते हैं कि आज के स्टूडियो में हमारे पास है जोलो चिप। आपको बाहर से देखने में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इसको मैं अंदर से आपको खोल कर दिखाता हूँ। और क्या सर, आपको पता होगा कि जोलो चिप जो है क्या है, आपने हमारे चैनल पर वीडियो देख ही रखा होगा। तो क्या सर, ये रही हमारे पास जोलो चिप। तो क्या सर, आपको पता होगा कि ये जो है दुनिया की सबसे तीखी चिप्स है। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि लगभग आज से जो कुछ महीने पहले हमने इसको वीडियो बनाया था, और ये जो है दुनिया की सबसे तीखी चिप्स है। ये जो है इसको खाने के बाद भाई फिर क्या ही पूछो, अपने हालात है वो पूरी तरीके से जो है ख़राब हो जाती है। तो भैया, आज के स्टूडियो में हम क्या करने वाले, इस जोलो चिप को जो खाने वाले हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं खाने वाले, क्योंकि डायरेक्टली तो हमने जिसको पहले खा चुके हैं। तो क्या सर, आज के स्टूडियो में हम जो है इस जोलो चिप को, और क्या सर, आप देख सकते हैं कि हमारे पास है डेयरी मिल्क चॉकलेट। ये आप देखिए, इसको देख के मक्खी आने लग गई है, मक्खी इधर उधर भिन आ रही है। मतलब कि हम जो है डेयरी मिल्क चॉकलेट और जोलो चिप दोनों को आपस में मिक्स करने वाले। और सर, आपको पता ही है कि जो डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो क्या सर, हम जो है दोनों को मिक्स करते हैं, देर के बाद के फटाफट से इसको खोलते हैं। ये जो अब नए पैकेट में आने लग गई, पहले हमने मंगवाया था, दूसरा पैकेट में आती थी। तो यहाँ से हम जो है इसको ऐसे कट कर देंगे। ये जो हमारी जोलो चिप है वो बाहर आ गई है भाई, इसके नाम से डर लगता है यार। देखो यार, क्या बताऊँ आपको, आप देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट इसको बाहर निकालता हूँ। पहले वार्निंग दिख गई, वार्निंग, ये वार्निंग लिखा है। मतलब क्या वार्निंग तो इतनी जगह लिखी होती है इसको, और इस पर लिखा होता है कि इसको खा, मतलब कि अगर आपकी आखिरी इच्छा हो तो बता दो। जैसे नहीं, अब उनको मतलब फांसी वगैरह होती है तो पूछते हैं जज वजह, आपकी आखिरी इच्छा हो तो बता दो, उसी तरीके से इस पर वार्निंग लिख रखी है। अंदर से जो एक और पैकेट निकलेगा ये कुछ इस तरीके से, वो इसके अंदर ये यहाँ से फाड़ने के बाद इसको जो है कई आँखों में घुस गई तो बेंड बच जाएगी। इसका चूरा हो चुका आई थिंक, हाँ ये टूट चुकी है। हमारी पूरी जोलो चिप है जो कि बाहर आ चुकी है। आप देखिए भाई किस तरीके की दिखती है, आपको दिखा देता हूँ पास से। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, इसको देखने से डर लगता है। हमको यह ध्यान रखना होता है कि हमारा हाथ है जो आँखों में न चले जाए, जिसको देखने से डर लगता है और इसको देखते ही खाने का मन करता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो चलिए इसको भी खोलते हैं अब, इसको और इसको दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। तो इसको फटाफट से मैं जो खोलता हूँ, वो गर्मी की वजह से इसकी बैंड बजी हुई है, आप देखिए पूरी तरीके से पिघल चुकी है, वो मेरे मुंह में खोलते से ही पानी आ गया। चाट ले, कौन चाट रहा है इसको। एक और बची हुई, इसको खोल लेते हैं और इसको भी कर देते हैं मिक्स। गर्मी की वजह से पूरी पिघल गई है ये। तो क्या सर, आप देख सकते हैं जो डेयरी मिल्क चॉकलेट से हम सारे निकाल लिए, और अब इसको अच्छी तरीके से जो है इसके अंदर हम जो है मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारी जोलो चिप और डेयरी मिल्क जो दोनों आपस में मिक्स हुआ है। तो क्या सर, अब जो ये जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, अब जो है इसको टेस्ट करने की बारी है, और देखते हैं कि क्या इसका टेस्ट है, जो मतलब तीखापन है कि गया है चॉकलेट का, सॉरी क्या बोलते हैं जोलो चिप का, या नहीं। आप देखिए, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब खाने की बारी, इसको थोड़ा कम खाता हूँ, पहले मैं खा लूँ। चॉकलेट का तो ओनली ओनली ऑन 5% टेस्ट आ रहा, बाकी पूरा टेस्ट जोलो चिप का आ रहा है, जो कि आप मेरी आंखों को देख के पता लगा सकते हो। खाऊँ और एक और खाता हूँ। ओनली ऑन 5% आ रहा है चॉकलेट का टेस्ट, बाकी पूरा का पूरा जो है जोलो चिप का टेस्ट आ रहा है इसमें। एक चम्मच और खाता हूँ। इस बार थोड़ा थोड़ा नहीं यार, उसका टेस्ट आ रहा है यार, पूरा का पूरा जोलो चिप टेस्ट क्या आ रहा है यार, तीखा लग रहा है बहुत ज़्यादा, आँखों में जलन हो रही। एक और, एक और, एक और, एक चम्मच और खाते हैं।
सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ओनली 5% टेस्ट है जो है चॉकलेट का रहा है, बाकी पूरा का पूरा टेस्ट है जो कि जोलो चिपका रहे हैं, मतलब ये बोल सकते हैं, बाद में बोलेंगे क्या बोल सकते हैं। खाएगा ले ले ले, मर जाएगा साले भाग। इसको रखो साइड से और आपको बताता हूँ मैं, 5 मिनट बाद मिलता है। तो भाई सर आपने देखा जब हमने चॉकलेट को और जोलो चिप को आपस में मिक्स किया तो उसमें लगभग जो है 5-10% टेस्ट है वो जो है चॉकलेट का आ रहा था, मतलब कि पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो जो है जोलो चिप का आ रहा था। लेकिन जैसे इससे पहले मैंने जोलो चिप को जो है डायरेक्टली खाया था तो उसमें जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा तीखा लगा था, मतलब कि आँखों में इतनी जोर से आंसू आने लग गए, मतलब पूरी तरह से मेरी जो है हालत ख़राब हो गई थी। और अगर हमने चॉकलेट को साथ में मिक्स किया तो हाँ ये बोल सकते हैं हालत तो ख़राब हुई मेरी, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई थी। पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी डायरेक्टली जोलो चिप खाने में, लेकिन अब की बार जो है हालत ख़राब हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो सर आपने देखा कि जब हम जोलो चिप और चॉकलेट दोनों को मिक्स करते हैं तो उसमें ज़्यादा टेस्ट है वो जो है जोलो चिप का ही आता है। तो सर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके सर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।